आपके मोबाइल स्क्रीन पर सोनाली फोगाट का जो ये मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा है ना, जिसे देखने के बाद कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस खिलखिलाते चेहरे ने ना जाने लाइफ में कितने दर्द सहे और कितने ही आंसुओं की धारें बहाई। फिर लाइफ में दुख के बाद सुख भी आया, पर वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। खैर, कौन जानता था कि ये हंसता खिलखिलाता चेहरा दुख दर्द प्रेम सभी के सामने घुटने टेक देगा और हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाएगा। जी हाँ, बिग बॉस 14 का हिस्सा रही जानी मानी सोशल मीडिया स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। गोवा में दिल का दौरा पड़ने के बाद सोनाली ने अंतिम सांस ली है। सोशल मीडिया पर अपने रील वीडियोस की वजह से सोनाली अक्सर छाई रहती थी। उनके निधन की खबर ने सभी को सन्न कर दिया है। जी हाँ, सोनाली अपने पीछे इकलौती बेटी को छोड़ गईं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सोनाली की फैमिली और उनके लव लाइफ के बारे में। जी हाँ, सोनाली ने बिग बॉस 14 में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी कुछ रिवील किया था। दिसंबर 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट की मौत हो गई थी, जिसके बाद सोनाली टूट गई। अपने फार्म हाउस पर वो संदिग्ध परिस्थिति में डेड पाए गए थे। इस शादी से सोनाली की एक बेटी यशोदा फोगाट हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस हाउस में सोनाली फोगाट ने राहुल वैद्य से बातचीत में खुलासा किया था कि पति की मौत के बाद उनकी जिंदगी में एक शख्स आया था जिसके साथ वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। वो पति की मौत के बाद टूट गई थी, ऐसे में उन्हें सहारे की जरूरत थी, मगर उनका ये रिश्ता लंबा नहीं टिक पाया। अब ऐसे में सोनाली ने बिग बॉस में पति के मौत की वजह बताते हुए राहुल वैद्य से कहा था, परिवार के कई सदस्य ऐसे ही चल बसे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जब उनका निधन हुआ था तब मैं मुंबई में थी। पति के जाने के बाद मैं काफी डिस्टर्ब हो गई। पति के जाने के बाद मैं राजनीति, एक्टिंग सब कुछ छोड़ देना चाहती थी। उस समय मेरी सास ने मुझे कहा था कि मैं आगे बढ़ूं और हिम्मत रखूं। इतना ही नहीं, बिग बॉस में सोनाली को टीवी के हैंडसम हंक अली गोनी से भी प्यार हुआ था। सोनाली ने नेशनल टेलीविजन पर अली गोनी के लिए फीलिंग्स होने की बात भी कबूली थी। बिग बॉस में सोनाली फोगाट और अली को साथ में काफी टीज किया गया था, लेकिन ये किसी तरह की लव स्टोरी नहीं थी, क्योंकि अली तो जैस्मिन भसीन से प्यार किया करते थे। ये बात सोनाली जानती थी। अली संग नाम जोड़ना सोनाली की गेम में बने रहने की स्ट्रेटजी थी। सोनाली फोगाट और अली बिग बॉस खत्म होने के बाद भी दोस्त बने हुए थे। आपको बता दें कि सोनाली हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी। सोनाली ने टीवी करियर हरियाणवी शो की एंकरिंग कर शुरू किया था। सोनाली को ब्रेक मिला था जी टीवी के पॉपुलर सीरियल अम्मा से। शो भारत पाकिस्तान बंटवारे पर बेस्ड था। सोनाली सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर थी, वो टिकटॉक स्टार थी। जी हाँ, सोनाली ने 2019 के हरियाणा चुनाव में आदमपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, पर वो हार गई थी। इतना सब कुछ देखने के बाद सोनाली फोगाट आज जिंदगी की लड़ाई भी हार गईं।